Hello friends, welcome to Unacademy Studio Rise. This is India's largest online education platform. Now I am going to start a session about the syllabus of economics for UPSC Civil Services along with establishment and development of banks in India. It is very important to know about the syllabus before starting your course without any delay. Let us know about me. I have pursued my master's and LLB from Allahabad University. I have been teaching UPSC last 20 years for UPSC Civil Services. Many books I have written, economics on economics, summary of India yearbook, summary of economic survey and current affairs. Now I am going to tell you something about Unacademy Plus courses. You know, here 70 plus educators are available for the teaching. The excellent teacher from his field, the subject experts, they are teaching very qualitative teaching. You know, here not only conceptual teaching, also that is the very basic level and high level. Concept ke saath saath test series ka bhi program hota hai. Aur test ke through aap exam mein kaise pehle se apne ko prepare kar sakte hain, ye iski khasiyat hai. Pure saal bhar aapko jo hai test series ka fayda milta hai. यहाँ पर सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं, सिविल सर्विसेज के जितने भी सेक्शंस हैं सब कुछ उपलब्ध हैं. अदर कोर्सेज भी अनअकैडमी प्लस पर उपलब्ध है. आप समझिए कि ये सारे कोर्सेज मात्र 40,000 रुपये के एक साल के लिए इसकी फीस रखी गई है. वैसे तो एक महीने, तीन महीने, छः महीने, एक साल, दो साल के कोर्स उपलब्ध हैं, बट यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अगर एक साल का कोर्स आप लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यू नो यूपीएससी सिलेबस इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. सो वन ईयर तो चाहिए ही चाहिए. इसकी फीस रखी गई है 40,000. यदि आप हमारे कोड का यूज़ करते हैं राजू लाइव RAJULIVE तो आपको 10% का इंस्टेंट कंसेशन मिलता है और आपकी फीस बन जाती है केवल 36,000. और जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं या जॉब में हैं, उतना टाइम नहीं है उनके पास, वे अगर चाहें तो दो साल का कोर्स ज्वाइन करें, आराम से धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन भी करते रहें और उधर अपने एकेडमिक्स को भी पूरा करें, जॉब को भी करते रहें. इसकी फीस रखी गई है 64,000 ओनली, और इसमें भी 10% का कंसेशन मिलता है आपको और ये बन जाता है आपका 57,600 ओनली. तो दो साल का कोर्स लेना बहुत फायदेमंद है उन लोगों के लिए जो ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, कोई अदर कोर्सेज कर रहे हैं, आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. सबसे खास बात अनअकैडमी प्लस एजुकेशन का ये है कि कस्टमाइज लर्निंग सिस्टम है. आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू करते हैं, जारी रखते हैं, कब पढ़ना है, सुबह शाम, अपने विलेज में, अपने सिटी में रहते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं, ये एक आपका बेनिफिट है. आप अपने एकेडमिक्स को जारी रखते हुए, अपने जॉब को जारी रखते हुए इस कोर्स को कर सकते हैं. पूरी तरह से आपको फ्रीडम है, किसी भी बंधन के अंदर आप नहीं हैं. आप अपने हिसाब से अपने कोर्स डिजाइन करिए कि कब हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन टीचर से पढ़ना है. यहाँ एक एक सब्जेक्ट के कई फैकल्टीज़ है, आप जिससे अच्छा लगे, जिसका ट्यूनिंग अच्छा बैठे आप उससे पढ़िए, उसका पढ़िए कोर्स. तो ये सब तो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूर, साथ में अदर कोर्सेज भी यहाँ पर हैं. अगर आप उन कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं और मेरे कोड राजू लाइव को यूज़ करते हैं तो आपको भी मिलता है 10% का इंस्टेंट कंसेशन, और इस तरीके से आप अपने फीस को रिड्यूस करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं.
पढ़ाई एक दान होता है, एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप दूसरों को भी बताते हैं कम से कम पैसे में, वे लोग भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते विदाउट एनी हिंड्रेंस, मिनिमम रेट पर। सो लेट्स कम बैक टुडेज सेशन। उससे पहले हम आपको थोड़ा बता दें कि आप कैसे ज्वाइन करेंगे। तो अनअकैडमी प्लस लर्निंग ऐप को आप सब्सक्राइब करते हैं, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं और वहाँ से आपको ये सारी बातें दिखाई देती हैं और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। राजू लाइव पूरी अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और इसको भर करके 10% का आप कंसेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक साल का कोर्स है तो 36,000 और दो साल का कोर्स है तो 57,400, ये आपके बहुत ही मिनिमम रेट है। मेरे तरफ से सजेशन है कि आप बिना किसी भ्रम में जाए ऑनलाइन में पढ़ाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आज के ज़माने की चीज़ है, ज़माने के साथ चलने की आवश्यकता है। पुराने लोग जो इस पर नहीं पढ़े हुए हैं वो इनके बारे में अच्छा सजेशन नहीं दे सकते, तो आप उनकी बातों में ना जाइए, नए चीज़ को एडॉप्ट करिए और जो है अपनी सुविधाजनक ढंग से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आगे हम अब टॉपिक को शुरू करते हैं। सिलेबस प्रीलिम्स प्लस मेंस एग्जामिनेशन दिया हुआ है। आप देखिए कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में यूपीएससी जो सिलेबस मेंशन करती है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और उसके अंदर दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। किंतु इससे आप नहीं समझ सकते कि क्या क्या टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं, इसको डिकोड करना होगा और डिकोड करके भी आप नहीं जान पाएंगे कि क्या हमको पढ़नी चाहिए। बट यू नो, एक अदर रिसोर्स होता है, वो होता है लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक्स। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक के गो थ्रू होते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से उठाए जाते हैं। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हमने इसको प्रिपेयर करा है। आउट ऑफ 100 लगभग 20 क्वेश्चन पर ईयर यूपीएससी आस्क फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्शन, और इसमें 20 क्वेश्चन में से कहां कहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं हमने उसको प्रिपेयर करा है, एक कोर्स डिजाइन की है जैसा कि आपने सामने देख रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है बैंकिंग। हमने बैंकिंग को ही पहला चैप्टर क्यों लिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर इकोनॉमिक्स। 3 to 4 क्वेश्चन पर ईयर आस्क फ्रॉम बैंकिंग चैप्टर। इन्फ्लेशन, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एक्सटर्नल सेक्टर। जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, देयर मेनी टर्मिनोलॉजी, विदाउट स्टडी ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी यू कैनॉट अंडरस्टैंड द न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्टर। इस एक्सटर्नल सेक्टर में BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसके अंदर करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट के अंदर BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड और सर्विसेज। सो क्या डिफरेंस होता है बीओपी में, बीओपी और बीओटी के बीच और कैपिटल अकाउंट के अंदर? आप देखते हैं कि बोरोइंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज द टू टाइप्स, FDI एंड FPI। FDI, ग्रीनफील्ड FDI, ब्राउनफील्ड FDI, अनदर क्लासिफिकेशन, सम सेक्टर्स आर रिस्ट्रिक्टेड एंड सम सेक्टर्स आर ओपन फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ FDI। जो ओपन एरिया है वहाँ पर क्या है, प्रियर परमिशन एंड ऑटोमेटिक रूट। कुछ सेक्टर्स हैं जो प्रतिबंधित होते हैं और कुछ सेक्टर्स हैं जो फ्री है और RBI से परमिशन लेकर उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। FPI शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसीज, रुपीज़ फुल कन्वर्टिबिलिटी,
एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज एक्सचेंज रेट, दीज आर द थिंग्स विच स्टडी अंडर द एक्सटर्नल सेक्टर. बजट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस बजट सेक्शन के अंदर, यू नो थ्री टॉपिक्स इज मेन टॉपिक्स, एस्पेक्ट्स ऑफ बजटिंग कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ बजट, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ बजट एंड अपडेट्स. जो अपडेट्स होता है, अपडेट्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अपडेट्स के अंदर इकोनॉमिक सर्वे. आप जानते हो कि लास्ट 2015 से गवर्नमेंट इशूड द टू वॉल्यूम्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे. फर्स्ट वॉल्यूम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन, दे आर इशूज डिस्कस, एंड द सेकेंड पेपर, सेकेंड वॉल्यूम, दे आर मेन्शन द परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकॉनमी लाइक द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, सर्विसेज एंड सोशल सेक्टर्स एंड फाइनेंस एंड अदर सेक्टर्स. नेक्स्ट टैक्सेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, GST, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन द प्रीलिम्स एंड वो ऑल्सो इन द मेन्स एग्जामिनेशन इन 2019 ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन ऑन GST. नेशनल इनकम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट पर्पज, वन क्वेश्चन पर ईयर आस्क एग्रीकल्चर. इन द एग्रीकल्चर हियर ए सिंगल चैप्टर इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बट यू नो आउट ऑफ 10 यूनिट्स 4 यूनिट्स ओनली मेंशन फॉर द एग्रीकल्चर रूरल इकॉनमी. आप IAS ऑफिसर बनने जा रहे हो, यू मस्ट नो द रूरल इकॉनमी एंड एग्रीकल्चर. दे आर ए ह्यूज पॉपुलेशन रिसाइड देयर, उनकी पोजिशन के बारे में आपको काम करना है, तो आपको पहले UPSC चाहती है कि आप पहले इसके बारे में जान के आओ. तो मेन्स के 4 टॉपिक हैं, आउट ऑफ 10 4 टॉपिक्स आर कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, और प्रीलिम्स में तो एक चैप्टर है. और यहाँ पर मेनली क्वेश्चन कहाँ से, देयर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द मेनी स्कीम्स अबाउट द एग्रीकल्चर, सो उन सबसे क्वेश्चन आता है. इंडस्ट्री, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ट्रेड पॉलिसी, यहाँ पर 91 के बाद जो भी रिफॉर्म किया गया है, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, उनसे क्वेश्चन होता है. प्लानिंग का चैप्टर है, प्लानिंग के चैप्टर पहले भी इम्पॉर्टेंट होता था और आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लगा. क्यों? नीति कमीशन के आने के बाद से. नीति कमीशन हैज स्टार्टेड अ वेरी न्यू टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स, बहुत सारे इंडाइसिस फ्रेम कर रहे हैं, जैसे हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और वाटर के ऊपर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, और साथ में कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए, PSU को कैसे सुधारा जाए, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स पर पेमेंट है उसको कैसे सुधारा जाए. ठीक है, तो मेजर थिंग्स, न्यू टाइप ऑफ थिंग्स नीति कमीशन हैज इंट्रोड्यूस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ. पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन रहता है. डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट से, और एक क्वेश्चन सपोज की डेटा से. IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, दिस इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द WTO, मैनी नेगोशिएशन दे आर, सो WTO भी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में है, सर्विसेज के बारे में है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के बारे में है, सब्सिडी है, सो मेनी क्वेश्चंस ऑलवेज आस्क. ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, सब्सिडी, एम्बर बॉक्स, वाइट बॉक्स, रेड बॉक्स, सब्सिडी, पीस क्लॉज, मेनी थिंग्स. और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन का विषय बनता है और मेंस में भी एक टॉपिक है, 9 नंबर टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेनी थिंग्स दे आर. सबसे इम्पॉर्टेंट है इस समय के इकोनॉमिक्स के अंदर न्यू स्कीम्स विच हैज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, और डिफरेंट टाइप के नेशनल इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं, और जो गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेम कर रही है उन सब के बारे में हमको जानना जरूरी होता है. प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन है और मेंस में भी क्वेश्चन है. आपको एक बात बहुत क्लियर बतावें, प्रीलिम्स के अंदर जो स्कीम्स होते हैं उसमें व्हेन स्टार्टेड, विच एजेंसी इम्प्लीमेंट इट, और उसके प्रोविजन क्या होते हैं. बट मेंस में आप जाते हो तो मेंस में वहाँ पर इस कौन सा स्कीम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और क्या ये सॉल्व कर पाया, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक
अच्छे हैं, क्या लिमिटेशन है और इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, इस टाइप का अप्रोच होता है। तो स्कीम्स प्रीलिम्स में भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस में भी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बात करने जा रहा हूँ मेंस एग्जाम पे, मेंस एग्जाम पर। यहाँ फर्स्ट चैप्टर है, टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग। अभी आपने प्लानिंग का भी देखा, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, फंड मैनेज करने की बात है कि कैसे फंड को मोबिलाइज किया जाए, ग्रोथ प्रोडक्शन को लेकर के, डेवलपमेंट पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के, और एम्प्लॉयमेंट रोजगार के बारे में। और इसी के साथ सेकंड नंबर टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ, इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। आजकल इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के, समावेशी विकास को लेकर के बहुत चर्चा है, क्योंकि इंडिया बिकमिंग पीपीपी के बेसिस पर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और जनरल के रूप में सेवेंथ, बट हमारा बहुत सारा पॉपुलेशन अभी भी प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड को नहीं अचीव कर पा रहा है, इसीलिए वी फोकस ऑन द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर। नेक्स्ट है मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है और गवर्नमेंट बजटिंग का है। आप देखिए कि मेंस के अंदर एग्रीकल्चर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। सबसे खास बात आप जानिए, मेंस में 2013 में जो सिलेबस चेंज करा है, यूपीएससी ने बहुत ही ईजी कर दिया इन स्टूडेंट्स के लिए, खूब डिटेल से लिख दिया है। आपको ज़्यादा कोई भागने की जरूरत नहीं है, जैसे प्रीलिम्स में, मेंस में सारे सेक्शंस हैं और जो भी एक यूनिट है और यूनिट के अंदर वर्ड दिया हुआ है, आप उन वर्ड को लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल पर एक सिंगल टॉपिक ले रहे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हियर मेंशन ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, चार चीजें दी हुई हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे इसको कंडक्ट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के, अभी हम जो इसको चला रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं और हाउ इट इम्प्रूव इट। तो एकदम बटा हुआ है, बस हमें एक नोट्स तैयार करना है। और अभी आपने देखा है कि इसके अंदर और डेवलपमेंट करने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट भी लाया गया है। तो एक एक टॉपिक हम उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे और उस पर नोट्स प्रिपेयर करेंगे, तो जाकर के हमें कोई टेंशन नहीं होगा। एक सिंगल एग्जांपल और देख लीजिए, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग, बस इसको उठाया, दो पेज में नोट्स तैयार किया, पोजीशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, इसकी लिमिटिंग क्या है और क्या हो सकता है, बस हमने पूरे इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग का एक प्रिपरेशन कर लिया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पर ईयर एक क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा इसमें स्कोप है, ह्यूज पॉपुलेशन इन हियर, और हम बहुत सारे प्रोडक्शन में भी नंबर वन नंबर टू हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग का लेवल इज नॉट वेरी हाई। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, वी कैन इम्प्रूव इट, और हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन आर डिमांडिंग मोर न्यू टाइप ऑफ फूड्स, तो उसमें फूड प्रोसेसिंग को बहुत इम्पॉर्टेंस है। तो ये एक टॉपिक है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये बहुत पुराना टॉपिक है बट अभी इसको और ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और इससे क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकॉनमी, चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड द इफेक्ट्स इन ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट, 91 के बाद जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया है और उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके चेंजेस का हमारे इंडस्ट्री प्रमोशन पे क्या इम्पैक्ट है, एक ब्रॉडर सेक्शन है। यहीं से आपको रियल इकोनॉमी की जानकारी मिलती है, पूरे 91 के बाद का सारा डेवलपमेंट, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आपने डिस्कस किया, पीछे इन टॉपिक्स पर डिस्कस होगा। और लास्ट है इन्वेस्टमेंट मॉडल, बट हियर इन्वेस्टमेंट मॉडल नॉट, इट मीन्स नॉट ए थियोरेटिकल पार्ट, देयर आर पीपीपी मॉडल, देयर वेरियस टाइप ऑफ मॉडल और गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस, लाइक ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल,
पीपीपी मॉडल, बीओटी एंड हैम हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल्स, टीओटी मॉडल टोल ऑपरेट ट्रांसफर, टीओडी मॉडल ट्रांजिट ऑपरेट डेवलपमेंट, सो दिस टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मॉडल्स दे आर मेंशन, इसको स्टडी करना है, ठीक है। तो ये हमारे रहे सिलेबस जिस पर आपको फोकस करना है। अब मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो दूसरा सेक्शन था, इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स इन इंडिया। तो आप जानिए कि 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना कलकत्ता के अंदर हुआ था, बट बहुत अर्ली वो बंद हो गया, 1829-32 में उसका लिक्विडेट हुआ था और बंद हो गया था। उसके बाद उस समय भारत के अंदर 3 प्रेसिडेंसीज एरिया थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, और तीनों ही प्रेसिडेंसी में एक एक बैंक खोला गया। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसको बाद में बैंक ऑफ बंगाल कहा गया, और इसी तरीके से 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, बट दीज 3 बैंक्स मर्ज इन 1921 एज ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आगे चल करके 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और बनाया गया SBI। लेकिन इन प्रेसिडेंसी एरिया के बाहर भी प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, और उस प्रिंसली स्टेट में भी बैंक होते थे। उन बैंकों को भी 1959 में एक लॉ पारित करके 1960 के अंदर उसको SBI का एसोसिएट बैंक्स बना दिया गया। तो 8 एसोसिएट बैंक थे, बट राजस्थान के क्षेत्र से 2 बैंक आते थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, दोनों को मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, तो 7 एसोसिएट बैंक्स हो गए। ये चलता रहा, लेकिन 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को 2008 में SBI में मर्ज करा, एंड इन 2010 बैंक ऑफ इंदौर वॉज मर्ज इन द SBI। तो 2010 के बाद 5 एसोसिएट बैंक्स बचे हुए थे, लेकिन 1 अप्रैल 2017 को ये 5 एसोसिएट बैंक को SBI में मर्ज कर दिया गया, और साथ में महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक, जो 2013 में ओपन किया गया था फॉर द मोर फोकस ऑन द वीमेन पॉपुलेशन, देयर इम्प्रूवमेंट, बट ये समझा गया कि इस नए बैंक के द्वारा ब्रॉडर लेवल पर ये फैसिलिटी अवेल कराना पॉसिबल नहीं है। सो दिस वाज द रीज़न दिस भारतीय महिला बैंक और 5 एसोसिएट बैंक्स सबको जो है SBI में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। और हम कहते हैं कि SBI भारत का सबसे पुराना बैंक है, बिल्कुल सही, बट एक कन्फ्यूजन। पंजाब नेशनल बैंक को भारतीयों का सबसे पुराना बैंक बोलते हैं, अभी मैं उस पर पहुंच कर डिस्कस करता हूं। अब देखिए, 1865 में इलाहाबाद बैंक का स्थापना हुआ, और 1881 में अवध कमर्शियल बैंक वॉज सेटअप। अवध कमर्शियल बैंक वॉज टोटली इंडियन ओनरशिप बैंक, लिमिटेड लाइबिलिटी बैंक। क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी? सीमित दायित्व बैंक। सीमित दायित्व का कॉन्सेप्ट समझिए, सपोज आई हैव परचेज ए शेयर ऑफ 10 रुपीज, आई हैव पेड द 6 रुपीज, सो रेस्ट 4 रुपीज आई एम रिस्पॉन्सिबल टू पे। व्यक्ति अपने शेयर प्राइस के लिए ही उत्तरदायी होता है। अगर कोई बिजनेस बैंक फेल होती है तो मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी अटैच नहीं किया जाए, मैं केवल अपने शेयर प्राइस को ही देने के लिए उत्तरदायी हूं। ये होता है सीमित दायित्व का कॉन्सेप्ट। फैजाबाद में स्थापित हुआ था, 1958 तक चला, उसके बाद बंद हो गया।
1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित हुआ, टोटली ओनरशिप इंडियन का था और ये कंटिन्यू है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भारतीयों का सबसे पुराना बैंक पंजाब नेशनल बैंक और भारत का सबसे पुराना बैंक SBI। आगे देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है। लॉर्ड कर्जन ने माना कि ये बड़ा प्रोविंस है और एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, सो दे डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। बट बंगाली दैट टाइम दे कंसीडर्ड कि ये नेशनलिज्म को डाउन करने के लिए किया गया है, क्योंकि बंगालियों में ज्यादा राष्ट्रवादी भावना थी उस समय और उनको माइनॉरिटी बनाने का प्रयास किया गया है। इसके वजह से उन्होंने विरोध करना शुरू किया और बायकॉट मूवमेंट चलाई। बायकॉट मूवमेंट मीन्स फॉरेन प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का यूज नहीं करेंगे। बट व्हेन यू अपोज दिस थिंग्स तो आपको सब्स्टिट्यूट चाहिए, सो सब्स्टिट्यूट के रूप में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था और उसी स्वदेशी मूवमेंट का रिजल्ट था कि मेनी बैंक्स सेट अप इन इंडियन ओनरशिप दैट टाइम। और उसका एग्जांपल दिख रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 और बैंक ऑफ मैसूर 1930। बाद में देश जब आजाद होता है तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। करने के पीछे रीजन क्या था, यू नो दैट टाइम मेजर बैंक्स वेयर अंडर द प्राइवेट सेक्टर। ये बैंकर्स फोकस ऑन ओनली इन द सिटी सेक्टर। हमारी गवर्नमेंट बार बार रिक्वेस्ट करती, प्लीज ओपन देयर ब्रांचेज इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं। लास्टली 19 जुलाई 1969 श्रीमती गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा। जिनके पास 50 करोड़ की जमाएं थी उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और फ्यूचर के लिए भी प्लान दे दिया था कि जो 200 करोड़ रुपीज़ के सेविंग्स डिपॉजिट्स रखेंगे उनको भी हम राष्ट्रीयकरण करेंगे। और नेक्स्ट टाइम 15 अप्रैल 1980 को अदर 6 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। सो टोटल बैंक्स 20 नेशनलाइज बैंक। एक कंसेप्ट यहां पर, SBI इज नॉट कंसिडर एज ए नेशनलाइज बैंक। SBI इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक। नेशनलाइज क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो 1969 में नेशनलाइजेशन का लॉ बना उससे बियॉन्ड है। SBI का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन 1955 में हुआ था और ये जो नए बैंकों का गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण किया था वो 1969 से स्टार्ट हुआ था। सो SBI इज नॉट कंसिडर ए नेशनलाइज बैंक बट पब्लिक सेक्टर बैंक। तो 20 नेशनलाइज बैंक थे, बट 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया था। इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 19 हो गई, 19 होगा। बट आप जानो कि आजकल 1 अप्रैल 2017 को देना और विजया बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मर्ज किया गया। सो नेशनलाइज बैंक नंबर्स रिड्यूस फ्रॉम द 19 to 17 एट प्रेजेंट टाइम। और आप देखिए कि अभी एक और चेंज करा है, IDBI पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे, बट 1 अप्रैल 2019 को RBI हैज चेंज दर स्टेटस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। तो आज के डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन कौन से हैं, नेशनलाइज बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसमें नेशनलाइज बैंक 17 और SBI 1, सो टोटल 18 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एट प्रेजेंट टाइम। अब हम बात करेंगे, RBI का गठन होता है 1 अप्रैल 1935
1 अप्रैल 1935 बाय द आरबीआई एक्ट 1934 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन, इसको यंग हस्बैंड हिल्टन यंग कमिटी भी बोलते हैं, ठीक है। बट इन स्टार्टिंग ये 5 करोड़ रुपीस के पेड अप कैपिटल से इसको स्थापित किया गया था। इंडिया का सेंट्रल बैंक है, बट दिस इज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक दैट टाइम, बिकॉज टोटल शेयर्स मेनली शेयर्स होल्ड बाय द प्राइवेट पार्टी, वेरी फ्यू अमाउंट होल्ड बाय द इंडिया गवर्नमेंट, अदरवाइज टोटल शेयर्स होल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। 5 करोड़ रुपीज पेड अप कैपिटल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पेड अप कैपिटल? जो इक्विटी से फंड स्टार्टिंग में कलेक्ट किया जाता है उसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। और एक क्वेश्चन और है कि शेयर्स क्या है? इच स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। पूंजी के प्रत्येक छोटे हिस्से को शेयर कहते हैं। तो 100 रुपए का प्रत्येक शेयर था और इससे जो है कि 5 करोड़ रुपए जुटा करके इसको स्थापित किया गया था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का भी नेशनलाइजेशन किया गया। इंडिया गवर्नमेंट टेक ओवर द 100% ओनरशिप ऑफ आरबीआई एंड रिटर्न द मनी ऑफ प्राइवेट शेयर होल्डर्स। और इसी साल 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पारित किया गया था। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू आरबीआई को भारत के कमर्शियल बैंक पर और अदर्स बैंक पर भी मॉनिटरिंग राइट दे दिया गया। तो आज के डेट में आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा इंडिया के कमर्शियल बैंक को मॉनिटर करती है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। तो शेड्यूल बैंक होता है और नॉन शेड्यूल बैंक्स होता है। दिस स्केड्यूल्स बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को हम आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में पाते हैं। कुछ कंडीशंस होते हैं, 5 लाख रुपीज़ का पेड अप कैपिटल, ये तो स्टार्टिंग में कहा गया था। बट टूडे 500 करोड़ रुपीज़ रिक्वायर्ड जब आप कोई नया बैंक खोलते हैं, ठीक है। इनको अपना रिजर्व रखना होता है आरबीआई के साथ, और जो है एक निगम के रूप में काम करना पड़ता है। तो ये सारे कंडीशन होते हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट भी उनके होते हैं। कैन बोरो फ्रॉम द आरबीआई और ट्रांजेक्शन में क्लियरेंस में उनको फैसिलिटी मिलती है, समाशोधन गृह की फैसिलिटी मिलती है। नॉन शेड्यूल बैंक्स को उतनी प्रेफरिटी नहीं होती। वैसे तो नॉन शेड्यूल बैंक्स होता ही नहीं है, स्टार्टिंग में होता है, जस्ट दे मेंटेन द क्राइटेरिया एंड टर्न इन द शेड्यूल बैंक्स। तो ये इस तरीके का है। अभी आप देखिए कि हम लोगों ने बातें की कि देना बैंक विजय बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज करा है। सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? पता चला कि एक ही क्षेत्र में अलग अलग बैंकों के ब्रांच हैं 10-10 कदम के ऊपर, ठीक है, और उतने ही पॉपुलेशन को उस अलग अलग बैंक अनवांटेड कंपटीशन कर रहे हैं, कॉस्ट कट ज़्यादा आ रहा है, हमें फॉरेन बैंक से फाइट करना है। और हमारे नरसिम्हन कमेटी ने भी ये सजेस्ट किया था कि बैंकों के स्ट्रक्चर के बारे में कि 2 to 3 बैंक्स इंटरनेशनल लेवल का बिग बैंक होना चाहिए और 8 to 10 नेशनल लेवल का बैंक होना चाहिए और बाकी सब लोकल एरिया बैंक होना चाहिए। यह रिकमेंडेशन इन 1991 में दिया गया था नरसिम्हन कमेटी के द्वारा, बट स्टिल गवर्नमेंट नॉट इंट्रोड्यूस दैट। अब जा करके बैंकों का विलय करने का, मर्जिंग करने का कॉन्सेप्ट लेकर आई है और ये 3 बैंकों का विलय हुआ। और आगे चल करके अब हम फिर एक प्लान कर रहे हैं कि 10 बैंकों का आपस में विलय करके 4 बैंक बना देंगे। इसका अनाउंसमेंट किया गया है और इस दिशा में बैंकर्स आर वर्किंग एट प्रेजेंट टाइम कि कैसे कैसे इसको किया जाएगा, क्या होने वाला है फायदा। आप देखिए कि किसमें कौन सा बैंक मर्ज होगा, वो आपको लिस्ट में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और आप देखिए कि इससे क्या होगा कि बैंक बिग बैंक बन सकता है, इससे कैपिटल बेस बड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लोन डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है इकॉनमी को ग्रो कराने में मदद मिल सकती है।
इससे उनकी इफिशियंसी और सर्विस डिलीवरी भी इम्प्रूव होगा। और ये जो गवर्नमेंट को बार बार रिकैपिटलाइज करना पड़ता है बैंकों को, उनके एनपीएस बढ़ रहे हैं, आपस में कंपटीशन है, बिजनेस उतना है नहीं, इस प्रॉब्लम से भी हम बच सकते हैं। और दूसरी चीज़, और जो छोटे बैंक्स हैं जो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट को नहीं चलाते थे, जैसे म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस है, इन स्मॉल बैंक के कस्टमर को भी दिस फैसिलिटी कैन अवेलेबल। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम होगा, तो ये सारे फायदे हैं। लेकिन कुछ बातें चैलेंज भी हो सकती हैं कि जो स्मॉल बैंक है, इन बैंकों के जो लोकल कैरेक्टर्स से अपने एरिया में काम करने का, वे सब उनका समाप्त हो जाएगा। और बहुत बड़ी बात है कि ह्यूमन रिसोर्स के लेकर के अभी जो जितने एम्प्लॉयमेंट हैं मे बी डाउन, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है कि हम बैंकों को ब्रांच को बंद नहीं करेंगे, इन ब्रांचेस को मैं उन एरियाज में लेके जाऊंगा जहां पर अभी ब्रांचेस की कमी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करने के लिए ये भी ज़रूरत है, हम रिट्रेंच नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। और प्रमोशन को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, बैंक के अंदर के आपस में एम्प्लॉई को लेकर के बीच प्रॉब्लम हो सकती है। और इससे हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा मजबूत हो और पब्लिक सेक्टर को फेस करना पड़े। तो ये सारी बातें। और लास्ट में मैं सेशन समाप्त करने से पहले आपको बताना, याद दिलाना चाहूँगा कि आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना न भूलिए। ये मेरा सजेशन है, ये मील का पत्थर साबित होगा आपके लाइफ में, क्योंकि जो आगे बढ़ता है जमाने के साथ वही जिंदगी में आगे जाता है। थैंक यू वेरी मच। Hey, hey.